मकर संक्रांति के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को देश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का डिजिटल तौर पर शुभारंभ किए। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन उद्घाटन समारोह के दौरान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। आज जो वंदे भारत चल रही है वो एक छोर से आंध्र प्रदेश से भी जुड़ी है। आंध्र प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। 2014 से पहले के मुकाबले आज आंध्र प्रदेश में कई गुना तेजी से नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। बीते वर्षों में आंध्र प्रदेश में 350 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाने और लगभग 800 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरा किया गया है। पहले की सरकार के समय आंध्र में सालाना 60 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। जब ये रफ्तार भी बढ़कर के सालाना 220 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। लोगों के लिए केंद्र सरकार के ये प्रयास ईज ऑफ लिविंग भी उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी